नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों आपको अपने वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति, जे दोस्तों अगर समय रहते आप नहीं संभले तो दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देगा। ये दोस्तों जैसे आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है। ये दोस्तों आपको बता दें कि हर व्यक्ति के जीवन काल में ऐसा नेशा जरूर आता है जब उनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह हमारे किस्मत का खेल है, यह कार्य हमारे किस्मत में था ही नहीं। ये दोस्तों इनके विपरीत दो और जो चीज़ें आती है, जैसे कि एक तो हो गया ग्रहों की स्थिति, अगर ग्रहों की भी स्थिति शुभ नहीं रहेगी तो दोस्तों आपके अच्छे अच्छे कार्य भी बिगड़ जाएंगे। और दूसरी होती है कि दोस्तों आपके ऊपर चलने वाली अत्रुत आत्माएँ जो कि तांत्रिक क्रियाएं करके आपके विरोधी पक्ष आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ये दोस्तों और इनका भी प्रभाव आपके जीवनकाल पर कुछ ऐसा होता है जैसे आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपका माथा खिन्न होने लगता है, बहुत ही चिड़चिड़ाहट आती है और हर प्रकार के कार्यों में अच्छे भी कार्य हों उनमें भी आपको टेंशन बनने लगती है। अगर आपके पास सभी वस्तुएं हैं कार्य करने के लिए फिर भी आपको मन नहीं लगता है, इस प्रकार की स्थिति आपके जीवनकाल में उत्पन्न होने लगती है जब आपके ऊपर ये अत्रुत आत्माएँ आती है। ये दोस्तों तो इसलिए आज का ये इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इसका निवारण भी बताएंगे और कैसे इनसे आपको सावधान भी रहना है इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी आपके जीवनकाल में क्या क्या बदलाव होंगे, कौन सी उपलब्धि यश में अंतराल में आपको मिलने वाली है, ग्रहों की जो स्थिति होगी आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार भी करेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, वीडियो के मध्य में बताई गई हर एक छोटी सी सावधानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इन्हें आप भूल कर भी मिस ना करें। जय दोस्तों उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देगा, गुरु जी का शीर्षा से बात पर आप करिएगा तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों इसमें आपको अपने किसी मेहनत व फिर प्रयास के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों यश में नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो दिन होंगे जो समय होंगे आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखें कि आपकी ही कोई गलती आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। दोस्तों यश में आपको बता दें कि अपने निकट संबंधियों के साथ संबंध को मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आवश्यक होगा। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर आपको इसमें निगरानी रखना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि आप पर काम का बोझ इसमें बढ़ेगा, दिन भर भाग दौड़ी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों काम भी आपके वक्त पर पूरे होते जाएंगे। जिन बातों का इंतजार आपको काफ़ी दिनों से चल रहा था दोस्तों ऐसी ही बातों में बदलाव देखने के लिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए आपको बता दें कि समय सामान्य फलदायक रहेगा, कोशिश करने से मन चाहे कार्य भी पूरे हो सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं होगा पर नुकसान की भी संभावना बहुत कम होगी। आपको बता दें कि घर में सुख शांति व्याप्त रहेगी, बच्चों के कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा, आप श्रेष्ठ माता पिता भी इसमें साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों व्यर्थ की उलझन में पढ़कर अपना समय बर्बाद ना करें, कभी कभी दिक्कतों की वजह से वाणी और व्यवहार में जो है तलखी रह सकती है। इसमें आर्थिक स्थिति सामान्य होने की वजह से खर्चों में कंट्रोल करना आपके लिए इसमें उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय कठिन परिस्थिति में भी आपका इसमें वर्चस्व बना रहेगा, परिस्थिति को आपके पक्ष में करने के लिए अपने निर्लेप पर डटे रहना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। कोर्ट कचहरी संबंधी कामकाज में देरी हो सकती है लेकिन अंत में निर्णय आपके पक्ष में ही होने वाले हैं, तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसके उपरांत दोस्तों ऐसे समय होंगे आपके लिए आपको बता दें कि दोस्तों इसमें आप कार्य में बड़ा सफलता हासिल करने वाले हैं, अचानक ही कोई आपकी कार्य सिद्ध हो सकती है। सिर्फ दूसरों की उम्मीद करने की अपेक्षा आपको अपनी मेहनत और कार्य क्षमता पर इसमें विश्वास रखना चाहिए। आपको बता दें कि घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान व फिर सेवा में किसी प्रकार की कमी ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे क्योंकि दोस्तों इनका आशीर्वाद ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे।
कभी कभी ज़्यादा जो है प्राप्ति की इच्छा और काम के प्रति जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य को निपटाने का प्रयास करें और दोस्तों जो मिल रहा है उसी में संतोष रखना आपको इसमें तनाव मुक्त रखेगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके द्वारा तय की गई योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपका खुद के प्रति और लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आपको दी गई जिम्मेदारी बखूबी निभाने में आप सक्षम रहेंगे और यश में आपको इनसे आदर सम्मान भी प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में खुशहाली भरा वातावरण भी यश में रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों समय घर के रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों की रूपरेखा भी बना सकते हैं, परंतु जो समय होंगे आपके लिए ग्रह स्थिति यह भी सचेत कर रही है कि दोस्तों वित्त योजनाओं संबंधी कार्यों पर यश में आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी या फिर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि किसी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम यश में बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों जो समय होंगे आपके लिए किसी अनजान व्यक्ति पर आपको अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बातों में इसमें आपको आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर आपको चिंता सता सकती है, परंतु अपने व्यवहार को स्वयं बनाकर रखना इसमें आपके लिए जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि गलत व्यक्ति पर विश्वास दिखाने की वजह से पैसे संबंधित नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पैसे संबंधित व्यवहार करते समय अधिक जागरूकता रखें। काम संबंधित दस्तावेज जब तक पूरे नहीं होते तब तक काम की शुरुआत ना करें। आपको बता दें कि वरना तकलीफ होने की आशंका भी बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें व्यापार में वर्तमान परिस्थिति की वजह से जो है अभी नई योजनाएं बनाने के लिए समय उतना उचित नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर आपको इसमें ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये आपके लिए इसमें भाग्यशाली होंगे, ज़्यादा मेहनत और परिणाम कम जैसी स्थिति भी इसमें रह सकती है, परंतु फिर भी आपका आर्थिक समस्या इसमें दूर होंगी। इसमें आपकी जो भी संकट समस्या है इसमें आपके दूर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में कंप्यूटर मीडिया मार्केटिंग आदि से जुड़े व्यवसाय में शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो जो भी लोग यश में इनमें हैं उनको यश में लाभदायक परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यवसाय में कुछ समस्याएं भी उभर सकती है। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी अनुभवी या फिर राजनीतिक व्यक्ति की मदद लेना आपके लिए उचित रहेगा। तनाव लेने के बजाय विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करें। दोस्तों ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। युवाओं को भी नए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है या फिर नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय की स्थितियां तो सामान्य रहेंगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक इनकम के सोर्स भी बने रहेंगे। दोस्तों यश में अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश करें। नौकरी पेशा इंसान ऑफिस में चल रही किसी राजनीति से दूर रहें। दोस्तों अपने काम से ही आप यश में मतलब रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से भावनात्मक लगाव भी यश में बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि व्यवसायिक तनाव का असर अपने दाम्पत्य जीवन तथा घर परिवार पर ना पड़ने दें। परिवार के साथ अपनी समस्याओं को साझा करें, अवश्य उचित परिणाम या फिर उचित सलाह आपको मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को भी यश में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिनसे आपका मन भी यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुनोगे, आपको बता दें कि घर के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप ना करें, इससे दोस्तों घर का वातावरण जो है मधुर बना रहेगा तथा सदस्यों के बीच भी आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में नकारात्मक माहौल के बीच धैर्य और संयम रखें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समझोगे, आपको बता दें कि दोस्तों स्वास्थ्य आपका अंत में ठीक होगा, चिंता ना करें, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखें। और इनके लिए यश में आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों यश में मानसिक रूप से स्ट्रांग बनने के लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको जोड़ों में या फिर टांगों में दर्द की समस्या भी रह सकती है। वायु बाधा वाली चीज़ों का सेवन ना करें तथा सर्दी से अपना बचाव अवश्य करें।
दोस्तों यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति आपको बिना किसी कारणों से आपको परेशान करते रहते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आपको चिढ़ाते रहते हैं, या फिर आपके परिवार को या फिर आपके घर के किसी सदस्यों को परेशानियों में डालने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों यश में कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों यश में आपको शनिवार की रात्रि को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार उसका नाम बोलकर फूंक मारें और अगले ही दिन रविवार को इनको आप आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार आप 7 बार करें। इससे दोस्तों अभीष्ट व्यक्ति का वशीकरण होता है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा होता है तो दोस्तों वह शांत भी हो जाएगा। दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये उपाय आप केवल अपने शत्रु जो आपको परेशान करते हैं उनके लिए करें, लेकिन दोस्तों अपनी बुरी भावना अथवा किसी के अहित करने के लिए इन उपायों को आप बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, और शादी दोस्तों और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।